इंडिया में बहुत लोगों को एक कॉमन नशे की आदत है, वो है चाय। चाय बहुत लोगों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत लोगों के लिए वेकअप अलार्म है, बहुत लोगों के लिए थकावट उतारने का तरीका है, बहुत लोगों के लिए अच्छा मूड करने की मोटिवेशन है। लेकिन एक लड़के के लिए चाय बीवी है। उनका कहना है, शादी उससे करो जिससे प्यार हो जाए, या फिर जिससे शादी हुई है उससे प्यार करना शुरू कर दो। इनकी शादी चाय से हुई और फिर उसके बाद चाय से प्यार। मैं बात कर रहा हूँ 23 साल के उस लड़के की, जिसने 20 साल की उम्र में वो काम कर डाला जो किसी भी यंगस्टर के लिए सोचना भी नामुमकिन है। प्रफुल बिल्लोरे इंदौर से हैं। उनका सपना था कि कैट क्रैक करके अच्छे एग्जाम्स के साथ अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके अच्छे से MBA करके बहुत अच्छी जॉब के साथ सेटल होना है। कैट प्रिपरेशन तो उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत से करी, लेकिन वो कैट क्लियर नहीं कर पाए। उसके बाद प्रफुल ने दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, गुड़गांव सब एक्सप्लोर किया, और सब एक्सप्लोर करने के बाद एट लास्ट अहमदाबाद में आके रुक गए, क्योंकि उन्हें अहमदाबाद बहुत पसंद आया। उनके घर वाले सिर्फ यही जानते थे कि वो MBA की कोचिंग ले रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और MBA ही करेंगे, लेकिन प्रफुल के दिमाग में कुछ और चल रहा था। प्रफुल मैकडॉनल्ड में 37 रुपए प्रति घंटे की नौकरी करते थे और रोज ये सोचते थे कि मेरी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पे जो भी आता है बर्गर के लिए आता है, क्यों ना अपनी एक दुकान खोली जाए जिसमें अपने ही हाथों से बना बर्गर लोगों को बेचा जाए। इससे लोग मुझे जानने भी लगेंगे, मेरी आइडेंटिटी भी बनेगी और मेरा बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। लेकिन उनको कुछ ऐसी चीज बेचनी थी जिसके बिना हिंदुस्तान के लोग रह नहीं सकते और हर किसी की वो जरूरत है। प्रफुल ने जब सोचा कि ऐसा क्या है जो सबको चाहिए, तो प्रफुल के दिमाग में आंसर दिया, चाय। क्योंकि कैट की प्रिपरेशन के टाइम पे जब वो पूरा दिन पढ़ते थे तो उनका साथी थी चाय। प्रफुल ने कहा, यहाँ पे इंडिया में हर किसी को पूरा दिन चाय पीने की आदत है, तो मैं चाय की ठेली लगाऊंगा। प्रफुल का मानना है, ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल एक्ट नाउ। जैसे ही चाय की ठेली लगाने का थॉट आया, प्रफुल ने देखा सामने एक बर्तन की दुकान है। प्रफुल उस बर्तन की दुकान में गए और चाय की ठेली लगाने के लिए जो भी जरूरी बर्तन चाहिए थे वो खरीद लिए। लेकिन उनकी शॉपिंग पूरे 2-3 महीने तक चली। शॉपिंग करना तो आसान था, लेकिन उस थॉट से लड़ना कि मैं चाय की ठेली लगाऊंगा, उस हिम्मत को जुटा पाने में 2-3 महीने लग गए। और अहमदाबाद SGI रोड पर उन्होंने पहली चाय की ठेली लगाई। कुछ दिन हो गए चाय नहीं बिकती थी। फिर प्रफुल को आइडिया आया, कस्टमर मेरे पास आए या मैं कस्टमर के पास जाऊं, एक ही बात है। प्रफुल ने चाय बनाई और टोस्ट के साथ अपनी ट्रे में सर्व करके लोगों के पास जाने लगे। प्रफुल इंग्लिश में बात किया करते थे, जो लोगों को बहुत इम्प्रेसिव लगा। अब कस्टमर्स बढ़ने लगे और 100% कस्टमर रिटेंशन के साथ बिजनेस चलने लगा। लेकिन जब बिजनेस चलने लगा, चैलेंजेस आने लगे। आसपास के टी स्टॉल्स को ये डर लग गया कि हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, प्रफुल का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने गुंडों और पुलिस वालों की हेल्प से प्रफुल को थ्रेट किया और वहां से उनका ठेला हटवा दिया। ऐसा प्रफुल के साथ 3-4 बार अलग अलग जगह पे हुआ, जहां जहां उन्होंने ठेला लगाया या उन्होंने स्टॉल खोला, उनको वहां से हटा दिया गया। वहां उनके पापा उनसे फोन पर पूछते थे कि तुम क्या कर रहे हो। प्रफुल जवाब देते थे कि मैं MBA कर रहा हूँ। और यहाँ पे चाय की ठेली में भी अब बहुत से चैलेंजेस आने लगे थे। प्रफुल ने सब कुछ छोड़कर एक MBA कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कुछ दिन वहां पर पढ़ाई करी, लेकिन प्रफुल का मन नहीं लगा, क्योंकि प्रफुल को लगता था जो ये सिखा रहे हैं वो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से 6 महीने में सीख चुका हूँ। प्रफुल को अब आदत पड़ चुकी थी बिजनेस की, पैसे गिनने की, चैलेंजेस की, और उसी काम में मजा भी आता था। प्रफुल कॉलेज छोड़कर वापस आ गए और एक डॉक्टर के पास गए। उस डॉक्टर से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं आपके हॉस्पिटल के बाहर अपनी चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ, आप चाहें तो मुझसे किराया ले लें। डॉक्टर मान गए, उन्होंने बोला आप अच्छे आदमी हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, और किराए पर उनको दुकान दे दी। इस बार प्रफुल ने एक नए आइडिया के साथ चाय की दुकान खोली। प्रफुल ने अपनी चाय की दुकान के बाहर एक व्हाइट बोर्ड खरीद के लगा दिया, जिस पर लिख दिया जिसको भी जॉब चाहिए वो अपनी डिटेल्स यहाँ पर लिख दे। लोग चाय पीने आते और जो भी जॉब सर्च कर रहा था वो वहां पे अपनी डिटेल्स लिख जाता, फोन नंबर दे जाता। उसके बाद जो भी कस्टमर्स आते जिनको एम्प्लॉयज चाहिए थे, वो उस फोन नंबर और डिटेल्स को यूज करके एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करके एक दूसरे को जॉब देने लगे। इससे प्रफुल की चाय की दुकान बहुत फेमस हो गई और चलने लगी। एक बार सबने बोला कि इतने दिनों से आप चाय की दुकान चला रहे हो, अच्छी चल भी रही है, इसका कोई नाम क्यों नहीं रखा। प्रफुल ने और बाकी सब ने मिलके 300-400 नाम लिस्टेड किए, लेकिन वो सारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे।
प्रफुल को लगा मेरा आइडिया यूनिक है और मेरी दुकान भी अच्छी चल रही है, मुझे यूनिक नाम रखना है। तो प्रफुल ने दुकान का नाम रखा मिस्टर बिलोरे चाय वाला। लेकिन बिलोरे की स्पेलिंग बिलेनियर से मिलती जुलती है, इसलिए लोग उन्हें टीज करने लगे बिलेनियर एटसेट्रा। उन्होंने सोचा मुझे नाम चेंज करना होगा, तो उन्होंने मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद चाय वाला नाम रख दिया दुकान का, जिसका शॉर्ट फॉर्म बना MBA चाय वाला। अब MBA चाय वाला बोर्ड लग गया वहां पे, तो उसके बाद एक नया चैलेंज शुरू हुआ। लोग अब हंसते थे कि देखो MBA करने के बाद चाय बेचनी पड़ती है। प्रफुल के सारे दोस्तों ने उनसे नाराजगी शो करी और ये बोला कि क्यों तुझे चाय बेचने की जरूरत पड़ रही है, तू अच्छा खासा इंटेलिजेंट है, पढ़ लिख कर MBA करके एक अच्छी जॉब ले सकता है। लेकिन प्रफुल ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उनका फोकस क्लियर था, वो अपने ड्रीम पे काम कर रहे थे, अपने लिए काम कर रहे थे। प्रफुल काम करते चले गए। देखते हैं MBA चाय वाला पूरे गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में फेमस होने के बाद आज इंटरनेशनली भी फेमस है। आज प्रफुल उन MBA कॉलेजेस में जाकर स्पीच देते हैं और लोगों को बताते हैं कैसे अपने ड्रीम के लिए काम किया जाता है, जिन कॉलेजेस में वो कभी सपना देखा करते थे एडमिशन लेके MBA करने का। एक निडर और ड्रीमर ही ऐसी स्टोरी रच सकता है। आई फील प्राउड ऑन इंडियाज यूथ, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं। बहुत सारे सोशल कॉजेज में भी MBA चाय वाला ने पार्टिसिपेट किया और लोगों को मुफ्त चाय पिला के उन्हें मोटिवेट किया और मदद करी। लर्निंग, कुछ भी बड़ा या छोटा काम नहीं, सिर्फ तरीका बड़ा होना चाहिए। कुछ भी बड़े लेवल पर बेचा जा सकता है, बस उसकी नीड पता होनी चाहिए और बेचने का तरीका यूनिक होना चाहिए। कोई भी काम ऐसे करो कि कोई ना कर पाए उससे अच्छा। खुद की स्टोरी खुद लिखो। नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलेंगे।